हेलो फ्रेंड, यह क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक बिल 1840 रुपीज़ का 50, 20 एंड 10 रुपीज़ के नोट्स में पे किया गया है, जिसमें टोटल 50 नोट्स यूज की गई हैं। अब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करके इनमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर बिल 1840 रुपीज़ का पे किया गया है। इस बिल को पे करने के लिए 50, 20 एंड 10 रुपीज़ के नोट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन डिनोमिनेशंस की केवल 50 नोट्स यूज की गई हैं। स्टेटमेंट वन के अकॉर्डिंग 25 नोट्स 50 रुपीज़ की यूज की गई हैं एंड बाकी की नोट्स 20 एंड 10 रुपीज़ की। बिल को पे करने में 25 नोट्स अगर 50 रुपीज़ की यूज करेंगे तब इनसे टोटल 1250 रुपीज़ हो जाएगा। इसलिए फाइनल बिल 1840 पे करने में अभी 590 रुपीज़ बाकी हैं। अब ये बचे हुए 590 रुपीज़ 20 एंड 10 रुपीज़ के नोट्स में दिए जाने हैं। अब देखते हैं इसे कैसे पे किया जाए। इन बाकी बचे रुपीज़ को पे करने में हमें केवल 10 एंड 20 रुपीज़ के नोट्स ही यूज करने हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम केवल 50 नोट्स यूज कर सकते हैं, जिनमें से 25 नोट्स 50 रुपीज़ की यूज की जा चुकी हैं और अब बाकी की 25 नोट्स हमें केवल 10 एंड 20 रुपीज़ की यूज करनी है, क्योंकि अब केवल 25 नोट्स यूज कर सकते हैं। और अगर ये सभी 25 नोट्स 20 रुपीज़ के ही ले लें तब भी यहाँ से केवल 500 रुपीज़ ही हो पा रहा है, जो कि 590 से लेस है। इसलिए स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब स्टेटमेंट टू देखते हैं। इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है बिल को पे करने में 35 नोट्स 20 रुपीज़ की यूज की जा चुकी हैं, इसलिए अभी तक 700 रुपीज़ का बिल पे किया गया है एंड फाइनल बिल पे करने में अभी 1140 रुपीज़ बाकी है। इस बाकी बचे बिल को अब केवल 50 एंड 10 रुपीज़ के नोट्स में ही पे करना है। इन 50 नोट्स में से अभी तक 35 नोट्स 20 रुपीज़ की यूज की जा चुकी हैं और बाकी की बची 50 नोट्स अब केवल 10 एंड 50 रुपीज़ की ही यूज की जा सकती हैं। अब अगर बची हुई सभी की सभी 50 नोट्स 50 रुपीज़ की ही ले लिया जाए तब भी इनसे केवल 750 रुपीज़ ही पे करने के लिए हो पा रहा है, जो कि 1140 रुपीज़ से लेस है। इसलिए इस स्टेटमेंट से भी फर्दर पेमेंट नहीं हो पा रहा है और इसलिए यह स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब स्टेटमेंट 3 देखते हैं। इसमें 10 रुपीज़ की 20 नोट्स यूज की जा चुकी हैं, इसलिए अभी तक के पेमेंट से टोटल 200 रुपीज़ हो जाएगा और अभी 1640 रुपीज़ पे करने को बाकी है, क्योंकि यहाँ पर 20 नोट्स यूज की जा चुके हैं इसलिए अब केवल 30 नोट्स ही यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर ये सभी बची हुई 30 नोट्स 50 रुपीज़ की यूज कर लें तब भी इनसे केवल 1500 रुपीज़ ही हो पाएगा, जो कि 1640 रुपीज़ से लेस है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं, इसलिए आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।